कि एक तो बाबूसी से जैसी दूजे उमर मस्तानी तेरी नजर पे ऐसे फिसले मेरी नजर का पानी ऐसों को रखती हूँ मैं ऐसों को रखती हूँ मैं जाने कहाँ डाल के गीत पता नहीं है चुनरी उड़ जाए तेरी मेरे रूमाल चुनरी उड़ जाए तेरी मेरे रूमाल अच्छी लाए हैं बिल्कुल छुदित छुदा से छीन छाछ छछियन से छलकत लाऊ जितना छके छकाऊ गीत लिखा किसने बताओ आजादी डहराम आजादी ने लिखा है डहराम आजादी मुझे नहीं लगता कि ये गीत आपने लिखा हो नहीं लगता क्यों क्योंकि आपने अनुप्रास बनाने का प्रयास किया और इतना कट अनुप्रास आप बना ही नहीं सकते थे ये कट अनुप्रास क्यों सुधा छत्री वाला ये छत्री वाला छुदित छत्री वाला और छीन छात छत्ता वाला ये LBW ग्यारह माता जी क्या ये सही है छछियन से छलकत गाऊं जितना छके छकाऊं यहां तो ठीक है लेकिन यहां शुरुआत है वही गड़बड़ी छुदा छुदित आप कहेंगे छा से बनता ना ये छा छत्री में छा कहीं होता ही नहीं है ये आधा का और सीटी वाला सा दो अक्षरों से मिलकर के ये छा छत्री बनता है जयराम आजाद जी इसको घर में जाके सुधार लीजिएगा खैर अच्छी बात है समझो देखिए आपके गीत को गलत करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं गीत अच्छा है सुधार बता रहा हूं कि तो सुधार कर लीजिएगा बिल्कुल विषय शुरू किया सुख और सुखी से लेकर के अब पहुंचा दिया धोबी धोबिन तक जय हो डेरा महादेव जी जब आप धोबी और धोबिन से ही शुरू कर रहा हूं सुनिएगा सुनिए धोबी धोबिन से कहता चला दे जीते रहो बेटे छोटा छोटा
धोबी धोबिन से बोला क्यों ना रात में आई। जय हो। सच बोल कहां किसके संग में रात बिताई। क्या बात। भगवान की कसम है मेरे दिल में बहुत चाह। भगवान की कसम है मेरे दिल में बहुत चाह। लेकिन हे देवी कैसे हो सकता ऐसी स्थिति में अब है निर्वाण। अब है निर्वाण। अब है निर्वाण। माना माना है किस सिर का। माना है किस सिर का बस अंत आ गया। माना है सिर का। माना है किस सिर का बस अंत आ गया। और अपने प्रेम का भी बसंत आ गया। बसंत आ गया। बसंत आ गया। बात सुनिए। चाहता हूं बीवी का गुलाम नहीं हूं। क्या बात है। चाहता तो हूं तुझ चाहता पर बीवी का गुलाम नहीं हूं। सीता को घर में रख लूं मगर राम नहीं हूं। राम नहीं हूं। घर में रख लू मैं वो राम नहीं हूं। हे देवी दया माता जी मैंने प्रयास किया है कि तुम्हारे घर के गीत में तुट निकली है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे जवाब में कहीं तुट ढूंढे। बिल्कुल। हे देवी और अनुप्रास देखें मैं तुझे बहुत चाहता लेकिन कलित कपोली कल कपालिनी। ये कलित कपोली कल कपालिनी कलित कांति कमनिया। ये क्या बात गुरु। कलित कपोली कल कपालिनी कलित कांति कमनिया। ना ये करनी करनिया। ये जो तुमने कर डाली। कलित कपोली कल कपालिनी कलित कांति कमनिया। ना ये करनी करनिया। और खुरा खात ये खोट खटाई। खुराफात ये खोट खटाई खास खता खलनिया। क्या बाबू। खुराफात ये खोट खटाई खास खता खलनिया। खास खता खलनिया निया। आस तीन में बैठा मैं पता नहीं था। मेन माई को बढ़ा लीजिएगा थोड़ा। मेन माइक बड़ा हो गया। आस तीन में बैठा मैं काला नाग पाल के। ना करो नागिन कह दो तुमको बुरा ना लगता। नहीं नहीं नहीं। आस तीन में बैठा था काला नाग पाल के। लेकिन चैन मिलेगा अब तुझको। चैन मिलेगा अब तुझको घर से निकाल के। गहरा मजा जी तुम करते बंद करके चैन। मैं कहता हूं निकाल के चैन। जय हो। इससे अच्छा कहीं जवाब हो तो सोच के बताइए। आस तीन में क्यों बैठा। आस तीन में क्यों बैठा
वाला नाग पाल के चैन मिलेगा मुझको अब घर से निकाल के चैन लेकिन मेरी परेशानी जयराम आजाद जी तुम्हारे घर का गीत है मैं जवाब दे रहा हूं लेकिन मैंने एक क्रम बनाने का प्रयास किया भैया राजेश जी और आदरणीय छलिया जी मैंने आपका अनुकरण किया है मैंने आपसे सीखा है और मैं अपने गीत जवाब देने में मैं जो ख्याल रखा है वो मैंने ये रखा है कि का खा गा घा पहले का से शुरू किया अब जहां व्यंजन शुरू होता है कलित कपोली कल कपालनी कलित कांत कमनिया ना ये करनी करनिया ये करने योग नहीं था जो तुमने कर दिया खुरा पात ये खोट खटाई खास खता खलनिया का खा और देवी खास खता क्या है गजगामिन गोरी के ग्रह से गमन किए का है गम ये का खा गा गजगामिन गोरी के ग्रह से गमन किए का है गम मेरे मन में ऐसा मातम क्यों क्यों अरे घन घमंड घन घोर घिरे क्या बात कहां क्या घन घमंड घन घोर घिरे आंखों में नीर घमाघम आंखों में नीर घमाघम क्यों तेरी इस करनी पर अरे सात फेरे लिए जाते हैं तो कहते सात जन्मों का रिश्ता हो जाता है लेकिन अफसोस जन्म जन्म के बंधन को मुक्ति पाना चाहता हूं कि जन्म जन्म के बंधन ये जी के जंजाल के जन्म जन्म के बंधन ये जी के जंजाल के अब चैन मिले मुझको तुझको घर से निकाल के चैन मिलेगा मुझको चैन मिले मुझको तुझको घर से निकाल के 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 बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद है मैंने जिनसे लिखना सीखा उनका यह अनन्य आशीर्वाद मेरे सर पर हमेशा से रहा है और मैं सारी दुनिया में कीर्तन की दुनिया में ये गर्व से कहता हूं कि मेरे प्रथम गुरु आदरणीय मामा जी हैं मैंने इनसे कहा मुझे शिष्य बनाओ तो मामा जी ने कहा बेटा भैया मुझको पाप में ना डालो बिल्कुल मैं तुम्हारे पैर छूता हूं तुम मेरे भांजे हो सिखा कुछ भी सकता हूं लेकिन मैं तुम्हारा गुरु नहीं बन सकता इनके कहने पर मैंने पूज्यपाद दादा हरिकृष्ण शर्मा जी को गुरु बनाया था लेकिन दिशा निर्देश इनका ही मेरे सर पर हमेशा रहा और मैं इनके दिशा निर्देशन पर चला मैंने प्रारंभ में इनके ही गीत गाए इनके गीत गाकर मैंने लिखना सीखा आज ये अनंत आशीर्वाद आदरणीय मामा छलिया जी के द्वारा भेंट हुआ है मेरे अनुज
वो भी हमारे मौसी के लड़के हैं श्री राजेश तिवारी जी। तो राजेश तिवारी पर भी मामा जी की कृपा है। राजेश तिवारी ने अच्छा ये दो विधा के कलाकार रहे आदरणीय हमारे मामा श्री। सबसे पहले उन्होंने कीर्तन लिखा तो बहुत उच्च कोटि का कीर्तन लिखा। इसके बाद आ गए देशराज पटेलिया जी के साथ तो लोकगीत पर आए। तो जब लोकगीत लिखा इन्होंने तो जितना डालता फेंक सकते थे इन्होंने फेंक डाला। चली धना साइकिल में, चली धना मेला को साइकिल में बैठ गए और जीजा जो चला रहे मूछे दो ऐंठ के कोटे खूब थाने में तेंदू के बैठ से और कॉल करो छलिया फिर कान दो उमेट के। आपके ओर से अनंत आशीर्वाद हमारे लिए है। भैया राजेश जी की ओर से बड़े भाई के लिए भेंट कहें स्नेह कहें। इन्होंने आज सारा स्नेह हमारे ऊपर लुटा दिया है। भैया मैं चाहता हूं भगवती आप पर इतनी कृपा करें कि आप बुंदेलखंड का नाम उस ऊंचाई तक ले जाएं बुंदेली क्षेत्र में। खास बात यह कि लोकगीत गाते जरूर हैं हमारे भैया राजेश जी, लेकिन एक कलाकार थे हमारी नजर में दादा मैयादीन तिवारी जी, जिन्होंने कभी अमर्यादित गीत मंच पे नहीं गाए। क्या बात, लोकगीत। दूसरा व्यक्ति, दूसरा कलाकार मेरा छोटा भाई राजेश तिवारी है जो लोकगीत विधा में भी साहित्यिक लोकगीत मंच से गाता है और आज चोटाई पर, चोटी पर अपना कब्जा करके बैठा है। शुभकामनाएं है आदरणीय सम्मानित श्री हमारे अवधेश शुक्ला जी, जिनकी अपार स्नेह और कृपा से आज फिर से सेवा का मौका मिला है। उनकी ओर से अनंत आशीर्वाद 201 मुद्राओं के रूप में भेंट हुआ है। भैया श्री लक्ष्मी नामदेव जी दिखवा आपकी ओर से भी बड़ा स्नेह साधुवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना सभी दानदाताओं को, सभी को धन्यवाद है जिन्होंने दिया है, उनको धन्यवाद जिन्होंने नहीं दिया उनको भी धन्यवाद। अरे मैं जानता हूं वो भी देंगे ना। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो जिन्होंने नहीं दिया वो तैयार हो जाए।